करनाल के गांव कबूलपुर खेड़ा में तीन युवकों की संदिग्ध मौत को लेकर महापंचायत है। आपको बता दें कि करनाल के गांव कबूलपुर खेड़ा से 200 मीटर की दूरी पर गन्ने के खेत में 14 फरवरी की सुबह तीन युवकों के शव मिले थे। यह युवक पिज्जा बेचने का काम करते थे। यहां आपको यह भी बता दें कि तीन युवकों के शव मिलने को लेकर इस महापंचायत का आयोजन किया गया है। महापंचायत में पीड़ित परिजन और समाज के लोग पहुंचे। इस दौरान पीड़ित परिजनों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं पंचायत में पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण कुमार बेदी ने भी शिरकत की। बेदी ने पुलिस अधिकारियों का मामले में जल्द से जल्द उचित कार्यवाही करके पीड़ित पक्ष को न्याय दिलवाने के निर्देश दिए हैं। बताते चले कि 14 फरवरी को गन्ने के खेत में से तीन युवकों के शव बरामद किए गए थे, जो पिज्जा की दुकान पर कार्य करते थे। इस मामले को लेकर एक महापंचायत की गई, जिसमें पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने पहुंचकर मामले का संज्ञान लिया और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने की बात कही है। सवाल पूछने वैलिड और वाजिब सर, जिस तरह से स्टेटस रिपोर्ट डीएसपी साहब ने आपके सामने पढ़ी है, क्या लगता है कि चीजें सही दिशा में बढ़ रही हैं? अभी मैंने कुछ चीजें उनको पूछी हैं और कुछ उनको अभी अलग से बैठकर डिस्कस करेंगे। कुछ चीजें पब्लिकली करने की नहीं होती और परिवार को न्याय मिले ऐसी सभी की इच्छा। सर एक पास में हैचरी है, उस पर बार बार सवाल उठ रहे हैं, 1.5 घंटे तक वहाँ पर लाइट नहीं। वो कोई बात नहीं, वो विषय सारे संज्ञान में आ गए हैं, प्रशासन उसको देखे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप सुन रहे थे महापंचायत में और तमाम तरह की जानकारी दी है उन्होंने, फर्स्ट हैंड रिपोर्ट भी डीएसपी असन से तमाम तरह की जानकारी कोई पहले लड़ाई लिए हमारी हमारे साथ बंबर में ऐसे कुपरे में भी कांड हुआ साथियों, न्याय सभी पुष्कर में भी ऐसे भी साथी राम से बैठते। माता एक बात और बता, मतलब लगभग कितनी उम्र थी? 22-23 साल। तो किसी से कोई दुश्मनी या किसी तरह का कुछ ऐसा लगा? मैं लड़के की किसी की दुश्मन आई नहीं, किसी के लड़का ही नहीं चल ले, सीधे काम पाना, काम पर जाना, घर आना, काम पर जाना, घर आना, रहते ना किसी की दुश्मन आई नहीं, बोल ले नहीं किसी के साथ। जी मेरा एक लड़का था जी, मेरे पास कुछ नहीं रहे, चार लड़कियां जी मेरा और उनके पास थे। चलो कोई मैं तो जम का लड़ने गए जी, मेरा आदमी इसका एक्सीडेंट हो पड़ा जी, मैं क्या करूंगी, क्या बच्चा ने बैठाऊंगी, मेरे पास छत भी नहीं है जी। भाई शेयर करते हैं सारे साथी, वो फेसबुक पे लाइव कर, बड़ी मुश्किल का पड़ रहा था जी, मेरे बच्चियां का दिल उठ के आना चाहिए, अभी सजा मिलनी चाहिए जी, मैंने कुछ नहीं चाहता जी, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, नहीं सजा देंगे नहीं, मारा चेहरा जिया का गोली मार दे सारे कुर्सियां ने कहा मारा भी संसार कर दे, मारी दिल टिक जाएगा मान, इस तरह जिया का सजा ना मिलेगी उन्हें। हाँ जी एक लड़की मेरी कुंवारी बैठी जी, उसका कौन रखा आई है जी, है मनुष्य का मेरा एक्सीडेंट हो गया, पड़ा कमान दो बन खान दूंगा, धन्यवाद। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।